हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.5 यानी 3.5। अब आज हमने इसमें मतलब किताब चेंज कर दी है। क्यों? ऐसे एनसीईआरटी के लेकिन वो किताब ज़्यादा फटी हो रही थी और उसमें आंसर वगैरह मैच नहीं होते थे। ये है कि उसमें पेज फटे हुए थे, आगे से भी और पीछे भी फटी थी, तो इसलिए हमने किताब चेंज कर दी। ठीक है, तो है वही बिल्कुल। तो अब इसमें पहला सवाल क्या है? आसान है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें क्या, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, क्या जी, अद्वितीय हल है या जिसका कोई हल नहीं है। ये वही है 3.2 जो कराई थी ना हमने, उसमें जो बता कर द्वितीय हल अद्वितीय हल, उसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया था वही संगत असंगत प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी हो गया, तो क्या होगा? अब ये बताऊंगा तुम्हें, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, जिसका कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये हमको बताना है, ये चार सवाल है, ये इनमें हमको बताना है। लेकिन एक कंडीशन और है इसमें भाई, ये एक कंडीशन तो ये लगी, एक और बताना, अद्वितीय हल की स्थिति में अगर जिसका भी उत्तर अद्वितीय हल की स्थिति आ रही है ना, तो उसे बर्जगुणन विधि से करेंगे। देखो हमने विलोपन भी कर ली, प्रतिस्थापना भी कर ली, अब का बर्जगुणन विधि है। बर्जगुणन भी आसान है, लेकिन अद्वितीय हल इनका मतलब और एक बार और समझ लो, इसका मैं बेसिक बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा और बेसिक समझ लो, तो फिर हम आज इस वीडियो में चारों पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसा है, इसको बता देते हैं। देखो भाई हमें पता है, जब हम प्रतिच्छेद रेखा, आखिरी प्रतिच्छेद रेखा कब क्या होती है, देखो जैसे जैसे ये रेखा और एक इसमें प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ये इसने यहाँ काटा ना, यहाँ यहाँ, तो इनने कितने बिंदु पर काटा, इसको एक पर काटा, तो ये रेखा कैसे कहलाती थी, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी। अब देखो इस पर कितने बिंदु आ रहे हैं, एक ही तो आ रहा है, एक ही जगह काटा है ना, तो बताओ इसका क्या होगा, क्या होगा बताओ, तो इसका होगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा इसका, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, क्या हो जाएगा इसका, या फिर एक हल, यहां लिख देंगे अद्वितीय हल। इस तरीके से तो अद्वितीय हल का, अब देखो अब ये प्रतिच्छेद रेखा कब होती थी बताओ जरा, जैसे कि ए वन अपोन में ए टू बराबर नहीं बी वन अपोन में बी टू, अगर ए वन अपोन ए टू बराबर नहीं बी वन बी टू के, तो ये क्या चाहिए, प्रतिच्छेद रेखा हो जाती थी। तो अगर हमारी कंडीशन ये वाली आती है ना, तो अद्वितीय हल है, क्या जी, अद्वितीय हल। चलो जी, अब हमने एक बात और बताई, संगत संपाती रेखा, यानी कि है संपाती रेखा कब होती है, जैसे कि चलो माने ये रेखा है या फिर ये वाली रेखा है, अगर एक और दूसरी रेखा इसी पर आ जाए, क्या आ जाए भैया, इसी पर आ जाए ऐसे करके, तो देखो इस पर कितने बिंदु आ गए, देखो पता नहीं ना, क्योंकि कहता ना कितने एक रेखा में कितने बिंदु होते पता नहीं, कह नहीं सकते। तो ये कैसे हो जाते थे, हम ये हो जाते थे हमारे भाई, अब हम जैसे बिंदु बिंदु हम गिन नहीं सकते ना बिंदु बिंदु, तो देखो इसके मैनी हल है, यानी कि बहुत हल है, क्या हो जाएंगे इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसको हम क्या कह देंगे, अनेक हल, अनेक हल, इसे अनेक हल। अब अनेक हल, अब अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे भाई बताओ जरा, अब संपाती रेखा है ना, संपाती रेखा के लिए बताओ क्या लगा, संपाती रेखा है, संपाती रेखा, संपाती रेखा, अब संपाती रेखा के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे बताओ जरा, जैसे ए वन अपोन में ए टू, बी वन अपोन में बी टू, सी वन अपोन में सी टू, ये वाले तो फॉर्मूले लगाते थे तीनों बराबर, तो ये हम क्या कहेंगे, इनको संपाती रेखाएं, ठीक है, या फिर इसके लिए क्या कहेंगे, अनेक हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आ जाओ जी, अब हमारे पास समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, जैसे कि ये है और एक इसके, अब इन्होंने कहीं पे भी टच नहीं करा, कहीं पे भी टच नहीं, तो इसका कोई हल नहीं, क्या होगा जी, इसका कोई हल नहीं, तो अब कोई हल के क्या है, समांतर रेखा आना है, समांतर रेखा, तो इसके लिए क्या करें, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं,
ठीक है, कोई हल नहीं। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आता था भाई, ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू, बराबर नहीं सी वन अपॉन में सी टू, ये फॉर्मूला आया करता था बस। अब हमें विरज गुणन किसकी स्थिति में करें, इस वाले की में, यानी कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है, विरज गुणन विधि से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये अब हमारा बेसिक हो चुका है इस वाले एक्स इस वाले सवाल का। ठीक है, अब हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने। अब यह हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, ये है 3.5, 3.5 क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट, क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट। ठीक है, अब पहले का पहला पार्ट क्या, देखो किताब खोलो अपनी, देखो इसमें दिखा देता हूं मैं क्या क्या है। देखो इधर पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एक्स माइनस के 3 वाई माइनस के 3 बराबर 0, ऐसे 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। तो इसको करते हैं, इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी भाई, ए वन ए पी ये इन सब की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सवाल लिख देते हैं हम, पहला लिख ये क्या हुआ, एक्स माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण एक। ठीक है जी, ऐसी अब हमारे पास दूसरी क्या आ जी भाई, 3x माइनस के 9y और माइनस के 2 बराबर में 0, ये होगी समीकरण दो। अब इनकी तुलना कर दो भाई, इनकी तुलना कर दो भाई। अब कैसे तुलना कैसे करेंगे, तुलना करने पर लिख दो या फिर लिख दो ए वन की वैल्यू, जो समीकरण वन होगी उसके लिए वन, ए वन के लिए होंगे इस तरीके से। तो ए वन की वैल्यू कितनी हमारे पास, वन, जब कोई एक्स एक्स के लिए ए होता है, अब जब कोई संख्या होता है उसकी वन होती है। ठीक है, ऐसी बी वन की वैल्यू क्या जी, माइनस के 3, निशान सहित लगानी है निशान सहित, और ऐसी सी वन की वैल्यू क्या जी, माइनस के 3, इस तरीके से। अब ऐसी ए टू की वैल्यू बताओ जरा क्या, 3 हो गई, ऐसी बी टू की वैल्यू बताओ जरा कितनी हो गई, माइनस के 9 हो गई, ऐसी सी टू की वैल्यू बताओ जरा कितनी हो, माइनस के 2 हो गई, इस तरीके से है। तो ये कर देंगे, अब हमें वही ए वन अपॉन ए टू निकालना पड़ेगा है, ए वन अपॉन ए टू निकालो। अब देखो ए वन अपॉन में ए टू, अब ए वन की वैल्यू कितना 1 और ए टू की कितनी 3, चलो जी। ठीक है, अब बी वन अपॉन में बी टू निकालो, अब बी वन अपॉन बी टू में कितने, माइनस के 3 और माइनस के 9, अब इनको कैंसिल कर लो, लोएस्ट कर दो ना, माइनस से माइनस हट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, चलो जी, अगर सी वन अपॉन में सी टू निकालो तो माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस से माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब देखो कौन सी कंडीशन लग सकती है, बताओ जरा मुझे, बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी। देखो यहाँ ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू, ये भी दोनों बराबर है, लेकिन ये क्या है, ये बराबर नहीं है, तो कौन सी वाली, ये तो समांतर रेखा वाली लग जाएगी है, तो ये कौन सी लग जाएगी, समांतर और समांतर रेखा वाली के लिए क्या है बताओ जरा, कोई हल नहीं। क्या होता है आज के लिए, कोई हल नहीं। तो हम अब फॉर्मूला लिख देंगे, इसलिए ए वन अपॉन में ए टू बराबर बी वन अपॉन में बी टू और बराबर नहीं सी वन अपॉन में सी टू। तो ये क्योंकि यही तो लग रहा है, देखो भाई ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू यही है या बी वन अपॉन बी टू की भी यही है, लेकिन सी वन अपॉन सी टू की कोई आई है। अब ये किसके लिए कंडीशन लगाते हैं, समांतर रेखा के लिए, लेकिन समांतर रेखा क्या कहती है, जब समांतर रेखा तो कोई हल नहीं, तो इसका क्या लिख देंगे, रेखीय युग्म समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है, तो इसमें इसलिए लिख देंगे अतः दिए गए रेखीय समीकरणों क्या जी, समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, युग्म का क्या लिख देंगे, युग्म का कोई हल नहीं है, ऐसे लिख दो है, ऐसे लिख दो ना, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है भाई, इतना लिखना है। तो ये ऐसा करना, तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया है, देखो तो बहुत आसान है। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर देंगे, क्योंकि हमें उसकी स्थिति बता रहे थे जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू जब बराबर नहीं होते तब हम विरज गुणन लगाते, तो ये इस तरीके से हम लिख देंगे, ये हमको लिखना था। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इतना ले लो। ठीक है, ये अब दूसरा पार्ट देखते हैं, देखो दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा पार्ट हम इतने तुम देखो लिखता हूं मैं यहाँ, इसका दूसरा पार्ट देखो क्या जी, ये हमारा है दूसरा पार्ट है 2x प्लस के y बराबर 5, ऐसी 3x प्लस के 2y बराबर 8,
या तो बराबर में ऐसी रहने दो हैं, या फिर एक काम कर लो बराबर में क्या कर लो, जीरो कर लो, बराबर में क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है, आसानी भी हो जाएगी। तो ये इस सवाल को हम लिखते हैं। अब देखो क्या जी, हमारे पास 2x प्लस के वाई, ठीक है, बराबर में कितना, 5, बराबर कितना, 5, ठीक है, बराबर अब जीरो कर लो। देखो 2x प्लस के वाई माइनस के क्यों का 5, क्योंकि प्लस का इधर क्या को माइनस के 5, बराबर जीरो, योगी समीकरण 1, ठीक है जी, इस तरीके से। अब हमारे पास दूसरी क्या दी गई है, 3x प्लस के 2y बराबर कितना, 8, ठीक है, अब इसको भी ऐसी जीरो कर लो। 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर क्यों जीरो, योगी समीकरण 2, इस तरीके से है, ठीक है। अब करते हैं भाई कंपेयर करने, तुलना करने पर, समीकरण 1 / 2 की तुलना करने पर इस तरीके से लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ भाई A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 2, ऐसी B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B1 की बताओ जरा, देखो कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। C1 की वैल्यू कितना, माइनस के 5, इस तरीके से। ऐसी हमारी A2 की वैल्यू क्या आ जी, देखो क्या आ जी, देखो 3। ऐसी B2 की वैल्यू क्या आ जी, 2। C2 की वैल्यू क्या आ जी, माइनस के 8, माइनस के 8, इस तरीके से। अब वही A1 / A2 कर दो, देखो कैसे भाई, A1 / A2, तो क्या हो जाए, A1 की वैल्यू क्या 2 और A2 क्या 3, चलो जी। अब ऐसी B1 की वैल्यू क्या, B1 / B2, B1 की वैल्यू क्या 1 और B2 क्या 2, ऐसे ही C1 / C2 बराबर माइनस के 5 और माइनस के 8, माइनस से माइनस हट गया, इस तरीके से है। अब देखो कंडीशन बता दो यार कौन सी लगेगी, देखो जरा भाई, यहाँ A1 / A2 2/3 है, B1 / B2 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये कैसे बराबर नहीं है, तो लग गई ना लग गई, बस लग गया हमारा फॉर्मूला, बस कर दो अब काम को। देखो ऐसे करेंगे ना भाई, देखो एक बार मैच कर लो, कर लो, बताओ मुझे जल्दी, सोचो बताओ क्या है। तो भैया देखो A1 / A2 और B1 / B2 ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है ना, तो बस कर दो ना, इसीलिए A1 / A2 बराबर नहीं, B1 / B2, B1 / B2, इस तरीके से है। तो ये क्या करना, अच्छा देखिए समीकरण युग्म कैसा, अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो क्या करना पड़ेगा, वर्गगुणन द्वारा लगाना पड़ेगा फिर, तो यहां लिख देंगे अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का क्या जी, अद्वितीय हल है, क्या लिख देंगे, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इतना लिख देंगे। अब भैया जब अद्वितीय, तो क्या करना, बीजगणित विधि लगानी पड़ेगी ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का पहले, फिर इतने का ले लो, ठीक है, ये लिख देंगे इतना। अब बीजगणित विधि से हल करना पड़ेगा मुझको इसे, है तो देखो करते हैं अब, सॉरी कैमरा ही लिया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, बीजगणित विधि का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसको याद कर लेना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले यहां ऊपर क्या लिख देंगे, अब बीजगणित विधि द्वारा, वज्र ये वह है, वह वह वर्गुणन विधि द्वारा, ठीक है, ये होगी। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार बता देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मुझे, एक्स एक्स बराबर एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे करना पड़ेगा, एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या। देखो B1, अगर हम 1 लेंगे तो 2 आएगा, इसके साथ 1 लेंगे तो 2 आएगा, जैसे C2, ठीक है, माइनस लगाओ। अगर अब देखो हमने B1 लिया है तो B2 लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, B2, तो C1 लेना पड़ेगा, C1, इस तरीके से। तो ये हमारा ये लाइन याद रखनी, ऐसी अपोन में ऐसी इसको करेंगे, देखो A1 ऐसी A1 करेंगे तो B2 लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो A1 लिया तो क्या करना पड़ेगा, A2, तो B2 लिया तो क्या करना पड़ेगा, B1 लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बताओ जरा मुझे, ये हो गया हमारे पास एक्स के, ठीक है। अब ऐसी वाई के निकालने पड़ेंगे, तो वाई के लिए क्या करना पड़ेगा,
वाई बराबर वाई की भी ऐसी है बिल्कुल। देखो अब कैसे भाई, अगर मुझे सी वन लेना है तो मैं ए टू लूंगा, ऐसे सी वन लिया तो क्या लूंगा सी टू, और ए टू लिया तो क्या लूंगा ए वन अपॉन। ऐसे अब नीचे देखो भाई, अगर हमने ए वन लिया है तो नीचे वाली लाइन तो ज्यादातर एक जैसी ही होती है, ठीक है, एक जैसी है ना, तो नीचे वाली तो एक जैसी है, ए ए वन बी टू, ऐसी ए टू तो ए वन, ऐसी बी टू, ऐसे कर गए। तो देखो इन दोनों में कोई ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है, बस ये पलटे हुए हैं, बस ये कैसे हैं पलटे हुए कैसे, देखो जरा देखो पलटे हुए कोई है ऐसे करके, क्योंकि देखो यहाँ ए वन है यहाँ बी टू है, ऐसी ए ए टू है ना, यहाँ यहाँ क्या हमारे पास ए टू, तो यहाँ क्या बी टू, लेकिन हमने क्या ए, ये हमने ऐसे लिख दिया हमने भाई, ए वन है तो ए टू और बी टू है तो वी वन, ये इस तरीके से, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बस अब निकाल दो, वह अब निकाल देंगे, देखो कैसे करके बताओ जरा, बस इसमें वैल्यू पुट करनी और नहीं करना कुछ भी, वैल्यू पुट करो और लिखो। तो देखो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरे से कर सकते हो, लेकिन इससे तुम करोगे ना डायरेक्ट निकल कर आएगा उत्तर, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल करके आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आएगी, उसकी टेंशन मत लो। एक और भी है, जैसे एक्स अपॉन में सी वन अपॉन सी टू इस तरीके से लिखेंगे, ऐसी वाई वाई की लिखे तो वट में करके लिखेंगे, वो वाला फॉर्मूला भी है। अब बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला, तो इसी से कर लेते हैं एक बार, इसी से कर लेते हैं, ठीक है कर ले, मैं इसी से बताओ जरा, इसी से कर लें, सोचो जल्दी, इसी से कर दूं, चलो इसी से कर, एक बार इससे कर ले तो देखो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, फॉर्मूला यही है भाई, बजरंग यही है। अब देखो अब हम कर देंगे भाई, अब हमारे पास ए वन बी टू ई टू ये जो वैल्यू है इसमें उठा उठा कर रखनी है, बस बस हो जाएगा काम। देखो रखो वैल्यू पुट करो, अब एक्स की डायरेक्ट निकालेंगे हम, देखो एक्स बराबर क्या करेंगे, अब हम एक्स बराबर वैल्यू पुट करो, अब बी वन की वैल्यू क्या, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी भाई, बी वन ये सबकी वैल्यू देखनी पड़ेगी अब इसमें, ए ये कहाँ है जी, ये पेज उल्टा है ना, एक बार तुम भी किताब खोल लो भाई, हमें ये वैल्यू है, ये वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो ये मैं वैल्यू उठा उठा के एकदम रखूंगा, ठीक है ठीक है, एक बार अपनी किताब खोल लो, मैं डायरेक्ट रखता हूँ, ठीक है, अब ये बन की क्या, अभी बन की मैं सारी एक साथ रखूंगा, ठीक है। तो अब हमारे इसमें क्या देखो बताओ जरा मुझे, अब देखो इसमें लिखा हुआ है बी वन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी वन, अब बी वन की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, क्या है करो जल्दी, बी वन की वैल्यू है जी हमारे पास वन, कितनी है वन, वन है ना वन वन, और ऐसी सी टू की कितनी है बताओ, सी टू की वैल्यू कितनी है जल्दी करो, सी टू की वैल्यू कितनी है देखो जल्दी, सी टू की वैल्यू है जी माइनस के आठ, माइनस के आठ ऐसे माइनस, ऐसी बी टू की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, सही से रखवा ना दो गुणा, सी वन की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ जरा, देख कर जल्दी कर दो काम है, माइनस के पांच, माइनस के पांच अपॉन, ऐसी ए वन की वैल्यू क्या बताओ जरा, देखो जल्दी दो है, और बी टू की क्या बताओ जल्दी, बी टू की क्या, ये दो है ना, बी टू कितनी है देखो, बी टू की दो माइनस, ऐसी ए टू की क्या देखो जल्दी भाई, ए टू की देखो, ए टू की, ए टू की देखो जल्दी तीन है ना तीन, और ऐसी बी वन की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, एक है ना एक, बी वन की वैल्यू देखो जल्दी, फिर मैं रखता हूँ वन, ठीक है, इस तरीके से ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसको हल करते हैं, देखो एक्स एक्स बराबर देखो आठ एकम आठ, अब ये का माइनस का, तो आठ एकम आठ माइनस का, ठीक है, अब देखो अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस की जगह प्लस, और दो पंजे दस, बटे अब दो दूनी चार, और देखो माइनस तीन एकम तीन, इस तरीके से है ये हो जाएगा। तो देखो अब एक्स बराबर भाई, अब ये बताओ काय का ज्यादा इसमें प्लस के कितने, दो, बट अब चार में तीन गया एक, अब ये कितना होगा भाई दो बटाई, अरे एक की कोई वैल्यू नहीं थी बटे, तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, दो आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई, देखो निकल के आ गई ना, देखो कितना आसान तरीका, एक्स की वैल्यू दो आ गई। अब ऐसे हमें वाई की निकालनी है, वाई का निकालते हैं, अब देखो इधर वाई की निकालते हैं, ठीक है, वाई बराबर क्या है फॉर्मूले लिख देते हैं हम, पहले वाई बराबर फॉर्मूले लिख देते हैं हमारे, सी वन ए टू सी टू ए वन, ऐसी हमारा ए वन बी टू और ए वन और ए टू बी वन, ये होगा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट करो अब देखो जल्दी जल्दी, देखो अब तो कर ही दोगे, अब सी वन की वैल्यू बताओ जरा मुझे कितनी है, देखो यहाँ से उठा उठा कर रख देता हूँ मैं सी वन की, अब सी वन की
यहाँ देखो हमने कितनी रखी थी, वन, तो यहाँ पे माइनस के पांच है, माइनस के पांच गुणा, जब कोई शायद तो गुणा होता था। अब ए टू की देखो, यहाँ से हमने यहाँ रखी थी ए टू की, तो ए टू कितनी रखी हमने, तीन रखी है, ठीक है, ए टू की तीन माइनस। अब सी टू की हमने ये देखो यहाँ कहाँ थी, सी टू का मेरी सी टू कहाँ देखो, सी टू की ये यहाँ माइनस के आठ, माइनस के आठ गुणा ए वन की वैल्यू कहाँ, ए वन की ये रही, तो ए वन कितनी है, दो है, इस तरीके से बटे। अब ए वन की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ, ए वन की वैल्यू कितनी है, दो। अब तो नीचे वाली लाइन तो सेम ही रहेगी, और बी टू की वैल्यू कितनी है, दो। ए टू की वैल्यू कितनी है, तीन। बी वन की वैल्यू कितनी है, वन। इस तरीके से मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है, ये वैल्यू रख दिया उठाकर, ठीक है। अब देखो वाई वाला क्या होगा, तो पांच तिया 15, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 दूनी 16, और 2 दूनी 4, और 3 एकम 3, इस तरीके से है। तो वाई वाला कितना होता है, देखो 15 में 16 का तो एक, और 4 में 3 का एक, तो 1/1 आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई, क्योंकि एक का मान नहीं होता, तो वाई ये आ गई, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट निकल आती है, इससे डायरेक्ट निकल आती है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ना करनी पड़ती है। अब डायरेक्ट निकल आती है क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर कर ली, इसमें ही फॉर्मूले में कर ली, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है फॉर्मूला, तो ये देखो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, यहाँ से इसका ले लो, फिर इधर ले लो इसका, ये ठीक है, ये ले लो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें बेसिक भी बताया ना। अब देखो तीसरा पार्ट पढ़ो जल्दी से, तीसरा पार्ट पढ़ो, तीसरा जल्दी पढ़ो, तीसरा। तीसरा पार्ट 3x-5y=2, ओ 20 सॉरी 20, और 6x-10y=40, इसको करना है, तो बराबर है 0 ही कर लेंगे। तो देखो तीसरा पार्ट है ये, मैं सोच रहा वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो तो इसलिए जल्दी काम हो जाए। तो तीसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है जी, 3x-5y=20, बराबर क्या, 20, ठीक है। अब एक काम करो, 0 कर लो इसके, हालांकि 20 ऐसे भी करो जब भी हो जाएगा, ठीक है, ना भी करो जब भी हो जाएगा ये, ठीक है। -5y-20 बराबर का 0, तो योगी समीकरण एक, ना भी करते ना तो जब भी हो जाता है ये। अब दूसरी क्या है भाई, 6x-10y=40, ये इसी की डबल हो रही है, ठीक है। तो 6x-10y और -40 बराबर में क्या, 0, योगी समीकरण 2, ये होगी समीकरण 2, ठीक है। अब देखो y कंपेयर करनी पड़ेगी, अब पहली वाली के लिए वन वन वाली हो जाएगी, तो ए वन की वैल्यू कितनी है, 3, ऐसी बी वन की वैल्यू कितनी है, -5, ऐसी सी वन की वैल्यू कितनी है, -20, इस तरीके से। अब ऐसी ए टू की वैल्यू कितनी है, 6, बी टू की वैल्यू कितनी है, -10, इसका डबल कर दो, और सी टू की वैल्यू कितनी है, -40, ये हो गई। अब वही फॉर्मूला लगा दो, देखो अब ए वन अपॉन में ए टू, तो ए वन की वैल्यू कितनी है, 3, और ए टू कितनी है, 6, और ऐसी बी वन अपॉन में बी टू, तो बी वन के -10, और ये -5 -10, सी वन अपॉन में सी टू, तो देखो -20 और -40, ये हो गया। अभी ना लोएस्ट कर दो, देखो इस वाले माइनस, तो माइनस हटेगा, देखो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, चलो जी से देखो माइनस और माइनस हटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है जी। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब देखिए जरा, अब तीनों में देखो जरा क्या है, तीनों की भी, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, और इसका भी 1/2, तो अब ये कौन सी हो गई, ये तो बराबर हो गई तीनों, और जब तीनों बराबर हो तो कैसी रेखाएं हो जाओ, बताओ जरा कैसी हो भाई, रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती है, और संपाती होंगी तो कैसा, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, तो ये लिख देंगे, तो इसीलिए ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू, और बराबर सी वन अपॉन में सी टू, ये फॉर्म लग जाएगा। तो अब अतः करके लिख देंगे, अब अतः करके लिख दो, देखो जैसा पहले लिखा था ऐसे लिख दो, अतः करके भाई, अतः करके लिखो, अतः दिए गए रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, इस तरीके से लिख देंगे, अनेकल होंगे या अनंतल होंगे या अनेकल होंगे, इस तरीके से लिख देंगे। देखो अब यहां मैं लिखता हूं, अतः दिए गए रेखीय समीकरणों के युग्म, समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से, अपरिमित इस तरीके से रूप से अनेकल
अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। देखो अब देखो कितना आसान हो गया है। तो ये है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें अब हम इसमें वर्गमूल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई अनेक हल होंगे, हमें लगानी किसमें थी जिसके अद्वितीय हल आवे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को कर देंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इतना ले लो, यहाँ से ले लो, इधर से भी, और ये ले लो यहाँ से, तो इतना ये हिंदी लिख देंगे इसकी। ये अब देखो चौथा पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है, वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑलरेडी पहली हो चुकी है 25 मिनट की। तो अब देखो चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या, यानी कि चौथा पार्ट ये। तो देखो चौथा पार्ट है हमारा, एक्स माइनस के 3y-7 बराबर 0, या 3x-3y-15 बराबर में 0, इसको करना है। तो इसमें तो 0 ही है, तो x-3y-7 बराबर 0, यौगिक समीकरण 1 इस तरीके से है। अब दूसरी क्या हमारे पास, 3x-3y-15 बराबर 0, यौगिक समीकरण 2। ठीक है, अब इसको करते हैं भाई, ए वन की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। और ऐसे बी वन की वैल्यू कितनी है, -3, निशान सही लगाने हैं। सी वन की वैल्यू को -7, ठीक है इस तरीके से। और ऐसी ए टू की वैल्यू क्या जी, 3। बी टू की वैल्यू क्या जी, -3। सी टू की वैल्यू क्या जी, -15, ये होगी। ठीक है, अब करते हैं, ए वन अपॉन में ए टू, तो ए वन की वैल्यू कितनी है 1, और ए टू कितनी है 3। ऐसी बी वन अपॉन में बी टू, बी वन कितने -3, और इसकी भी -3, बी टू की -3। सी वन अपॉन में सी टू, सी वन अपॉन में सी टू, इसकी वैल्यू कितनी है -7, और इसके -15। ठीक है, अब इन्हें लोएस्ट कर देते हैं, माइनस से माइनस हट गया, अब 7 15 तो कटेंगे नहीं, माइनस से माइनस हट गया, 3 से 3 से 1 बार, 3 से 1 बार है, और ये 1/3। अब देखो जरा इसमें कंडीशन देखो, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी है 1/3, और ऐसी बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी है 1/1, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर नहीं है, तो बस कर दो, इसलिए ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं बी वन अपॉन में बी टू। अब अतः करके लिख दो, अतः दिए गए समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, युग्म का अद्वितीय हल होगा, होगा बस ऐसा। देखो अब ठीक है इस तरीके, अब इसको बजगुणन विधि से करना पड़ेगा है? तो लिख देंगे बजगुणन विधि द्वारा, ठीक है यहाँ डाल देते हैं अब इसको, द्वारा इतना लिख देंगे। ठीक है, अब वही सूत्र लिखो, जरा लिखो जल्दी जल्दी करो जल्दी से, लिखो जल्दी बताना भी, वही वाला तो लिखना है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एक्स के एक तरफ लिखूंगा, वाई के एक तरफ लिखूंगा, पहले मैं एक्स के एक तरफ लिख दूं, वाई के एक तरफ लिख दूं। देखो एक्स के तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स बराबर कितना, वाई बताओ जल्दी, हमारा क्या फॉर्मूला था भाई, बी वन सी टू, ऐसी बी वन है तो बी टू सी वन, अब यहाँ तक तो ए वन था, यहाँ क्या था बताओ जल्दी, ए वन था या ए टू था बताओ जल्दी, ए वन ही था बी टू, ऐसी ए टू बी वन, यही तो था। देखो कितना आसान सूत्र है, एक बार मैच कर लो जल्दी से, मैंने सही लिखा या गलत लिखा, देखो जल्दी बताओ, बी वन सी टू, ऐसी बी टू सी वन, ऐसी ए वन ए बी टू है, ए टू बी वन, ये होगा जी। ये तो हमारा एक्स का, ठीक है इधर कर देते हैं, आधे आधे पर कर देंगे, आधे आधे में कर लेंगे, ऐसे मैं वाई का लिख दूंगा इधर, वाई का, वाई बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ऐसी सी वन ए टू है, और ऐसी सी टू ए वन, ये वाला नीचे वाला ऐसे लगा दो, ए वन बी टू, ऐसी ए टू बी वन, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, इन्हें चार ब्रैकेट में लिख दो,
ठीक है। अब वैल्यू, अब एक्स की निकालते हैं डायरेक्ट। देखो तो अब एक्स बराबर, अब जल्दी जल्दी वैल्यू रख दो, जल्दी से उठा कर, जल्दी फुर्ती से, फुर्ती दिखाओ जल्दी रखने में। तो अब हमें वी वन की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी, वी वन की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, वी वन की वैल्यू बताओ, बताओ भाई जल्दी रखो। चलो ठीक है, अब बी वन की रखते हैं, बी वन के माइनस के 3 कितनी है, बी वन की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। सी टू की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, माइनस के 15, माइनस के 15 ठीक है, बराबर, ओ माइनस माइनस सॉरी। अब बी टू की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, बी टू के माइनस के 3, माइनस के 3। सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7, माइनस के 7 ऐसी। अब ए वन की वैल्यू कितनी है 1, बी टू की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी, बी टू के माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस ए टू की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी 3, और बी वन की वैल्यू कितनी है जी, बी वन की वैल्यू है माइनस के 3। इस तरीके से तो ये करना है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखो एक्स बराबर, देखो ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्यों गए प्लस, तो 15 45, और माइनस माइनस प्लस देखिए माइनस, और 7 21, अब 3 एकम 3, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, इस तरीके से। अब करो भाई एक्स बराबर 15 45 में से 21 घटी जरा भाई, 5 में से गया 4, और 4 में दोगे 2, चलो जी। अब 9 में 3 गए 6 ठीक है, यही तो बचे। अब 6 से क्या बार कटेगा, 4 बार, तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4, ये आ गई जी ऐसा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा ठीक है, ये ठीक। अब ऐसे इसकी निकालो, रखो वैल्यू पुट करो। अब सी वन की वैल्यू क्या, यहां से देख कर रख लो, सी वन की वैल्यू कितना है माइनस के 7, माइनस के 7। ए टू की वैल्यू कितनी है यहां से देख कर रखो, ए टू की वैल्यू कितनी है माइनस के, ओ 3, कितने है ये 3, माइनस। सी टू की वैल्यू कितनी है यहां से ऊपर से देख कर रखो, सी टू की वैल्यू माइनस के 15, माइनस के 15 ऐसे ही। अब ए वन की वैल्यू कितनी यहां से देख कर रख लो, इसमें से देख कर रख लो ना, तो ए वन की वैल्यू है 1 बटे। अब ऐसे इसकी तो ऐसे लिख दो भाई, ए वन की वैल्यू कितनी है 1, और बी टू की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, माइनस। अब ए टू की वैल्यू कितनी है 3, और बी वन की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, इस तरीके से हम रख देंगे वैल्यू ठीक है। इन्हें ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो वाई बराबर भाई 7 21, और माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15, अब 3 एकम 3, और 3 3 9 ठीक है। अब देखो ठीक है, वाई बराबर 15 में 7 15 में से 21 के क्या बचे, 6 बचे ना माइनस के 6, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, और ये 6, तो 6 6 का एक बार, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 आ गई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। उत्तर मिलाओ जल्दी से, उत्तर मिलाओ, मिला लिया, इतनी आ रहा था ठीक है, ये इतनी आ रहा है ठीक है, ये आ गई वाई वन की वैल्यू, ओ वाई की आ गई माइनस के 1। तो इधर स्क्रीनशॉट ले लो इसका इतने ठीक है। ये तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने अब चारों पार्ट क्लियर करते हैं, डिटेल में बताया, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।